पोर्टफोलियोज में करेंगे, ऐसा नंबर वन इसमें 10 कंपनी, नंबर टू 10 कंपनी। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, इंडिया के अंदर जितने पोर्टफोलियो चलते हैं हमारे पास जो म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तकरीबन शरिया कंप्लायंट नहीं है, तकरीबन शरिया कंप्लायंट नहीं है, याद रखिए, नहीं है, याद रखिए। एक ही फंड है इंडिया में जो एक बड़ी कंपनी चलाती है और वो शरिया कंप्लायंस उसका अपना एक म्यूचुअल फंड, याद रखिए, उसका नाम है इथिकल फंड। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ ना मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्ट करो, लेकिन एक ऐसा पोर्टफोलियो है इंडिया में, एक बड़ी कंपनी चलाती है इथिकल फंड के नाम से, या शरिया कंप्लायंस, दोनों नाम वो लोग देते हैं, इथिकल फंड से ज़्यादा मशहूर। वो लोगों ने शरिया कंप्लायंस जो जितने कंपनियां इंडिया में, जो शरिया बोर्ड उनका है, शरिया बोर्ड में तकरीबन लोग मुसलमान हैं, उसमें नॉन मुस्लिम नहीं है, उन्होंने जो तय किया वो शरिया बोर्ड के मुताबिक उन्होंने उसको किया है, बनाया है पोर्टफोलियो। इसके अलावा मैं कोई कंपनी का, हालांकि चलते हज़ारों है, ए से लेकर जेड तक जितने नाम है वो सारे नामों के मिलेंगे आपको, तो मैं ये कहूँगा कि इसमें बहुत आपको सेंसिबल होने की ज़रूरत है। तो इंडिया में तो मैं ऐसे कोई फंड नहीं जानता। हाँ, आप देखिए कोई ऐसा है जो जैसा कि इंडियन कुछ स्टेट्स ऐसे से केरला वगैरह है, उसके अंदर उन्होंने कुछ बनाए हैं इस्लामिक फाइनेंस वगैरह है, जो कि गवर्नमेंट ने भी उसको परमिशन दी है, लेकिन फाइनेंस है, बैंकिंग नहीं, याद रखी। तो वहाँ आप देखिए, चेक कीजिए वहाँ क्या है, मुझे उनका नहीं पता इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। तो बहरहाल ज़रूरी है कि वो शरिया कंप्लायंस, इंडिया में जितने अक्सर चलते हैं वो नहीं होते, तो म्यूचुअल फंड में होता है।